तो एक बार हम ऐसे करके सारी की इसकी टेस्ट करेंगे, देख लेते हैं हम सारी एक एक करके प्रेस करके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ये हमारे पास डेल का लैपटॉप आया है, इसका मॉडल है डेल इंस्पिरॉन 11 13 इंच। ये 11 इंच का लैपटॉप है, 11 31 48 11 31 48, ये आप देखोगे 360 पे होता है, डेल का भी लैपटॉप है। इसमें क्या हो रखा है, कीबोर्ड खराब हो रखा है, तो वही हम इसका कीबोर्ड चेंज करते हैं। ये देखोगे हमारे पास नया कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड इसका खराब है, कुछ की काम करती है कुछ नहीं करती है, तो हम आपको दिखाते हैं इसको हम कैसे चेंज करते हैं। ये आप देखोगे हमारा लैपटॉप खुल गया है, ये इसकी डेल की ओरिजिनल बैटरी है, और इसमें आप देखोगे ये लैपटॉप बड़ा अच्छा होता है, कॉम्पैक्ट सा है पर थोड़ा भारी होता है ये लैपटॉप। ये हम नया कीबोर्ड इसमें लगा रहे हैं, आप देखोगे इसके लिए हमें पूरा की लैपटॉप खोलना पड़ता है, पूरा ये बेस बाहर निकाल दिया है। ये कीबोर्ड पैक कर दिया है, इसमें क्या होता है प्लास्टिक को गला के लगाया जाता है क्योंकि इंटरनल फिटिंग होती है इसकी। फिट करने के लिए इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं होते, यही लोग होते हैं जो टूट जाते हैं। कीबोर्ड है वो पूरा फिट कर दिया है, ये आगे से आप देख सकते हैं इसका लुक सही लग रहा है, और ये हमारा पुराना कीबोर्ड है जो मैंने इससे निकाला है। अभी मैं इसमें जो हमारा इसका मदरबोर्ड होता है लैपटॉप का, ये मदरबोर्ड इसमें सेट करेंगे, और उसके बाद इस लैपटॉप को पूरी तरह से पैक करेंगे, फिर इस कीबोर्ड की टेस्टिंग करेंगे कि हमने जो कीबोर्ड लगाया है ये परफेक्ट वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो अभी हम इसका मदरबोर्ड इसमें सेट करते हैं। मदरबोर्ड पे मैंने सारी चीजें कनेक्ट कर दी है, ये इसकी SSD है, ये इसका बैटरी है, और बाकी भी सारी चीजें मैंने इस पे कनेक्ट कर दी है। मैं इसको पैक करूंगा और उसके बाद फिर इसका जो कीबोर्ड है वो टेस्ट करेंगे। ये इसका बैक पैनल है, तो मैं बैक पैनल इसको फिट करके इस पे स्क्रू लगाऊंगा, और उसके बाद फिर हम इसका कीबोर्ड जो हमने अभी न्यू लगाया हुआ है उसको हम टेस्ट करेंगे कि हमारी सारी की परफेक्ट चल रही है या फिर नहीं चल रही है। पैक कर जाए इसका बैक साइड से भी पूरा। अब इसका ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर होता है, मैं इसको ऑन करता हूँ, ये हमारा लैपटॉप ऑन हो रहा है। अब देख सकते हैं इसमें SSD है, तो ये कितनी जल्दी ओपन हो जा रहा है, नहीं तो बहुत टाइम लेता है ओपन होने में। टेस्ट करने के लिए हम इसका क्रोम ओपन करते हैं, और क्रोम पे हम टाइप करते हैं कीबोर्ड टेस्टर, तो हमारा एक इस पे साइट ओपन होगी, हम उस साइट पे ओपन करेंगे, साइट को ओपन करेंगे और फिर हमारा ऐसा कीबोर्ड आ जाएगा। तो अभी हम इसमें जो भी की प्रेस करेंगे उस की का कलर जो है वो बदलता हुआ जाएगा, जैसे मैंने लेफ्ट राइट प्रेस किया है, तो उनका जो भी होगा दबेगा उनका कलर चेंज होता हुआ जाएगा। तो एक बार हम ऐसे करके सारी की इसकी टेस्ट करेंगे, देख लेते हैं हम सारी एक एक करके प्रेस करके कि क्या हमारी सारी की प्रेस हो रही है, सारी की हमारी परफेक्ट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है जो अभी हमने न्यू कीबोर्ड लगाया है। देख सकते हैं कि हमारे इसमें जो भी की है ये हमारा 4.0 वाला की है, तो इसमें हमारा नंबरिंग वाला नहीं होता, तो इस वजह से हमारा 4.0 वाले कीबोर्ड में जितना भी है 14.0 वाले में सारी की वर्क कर रही है। तो हम इसको पैक करेंगे और कस्टमर को डिलीवर करेंगे। अगर आपके भी लैपटॉप में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सूरज कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर हर तरीका का लैपटॉप कंप्यूटर प्रिंटर रिपेयर करता है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।